मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसका नेम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपको पिछली कोलिगेटिव में प्रॉपर्टी में बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो कम होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखा है। उसका बिल्कुल अपोजिट है, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो उसी के लिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी लिक्विड की दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करे, किसी भी सब्सटेंस की दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करे, मतलब वो सब्सटेंस सॉलिड भी मिल सके और लिक्विड भी मिल सके, दोनों इक्विलिब्रियम में हो। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम में दोनों, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका एक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर भी होता है लिक्विड स्टेट के अंदर, और वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इस टेम्परेचर के ऊपर इनका वेपर प्रेशर भी इक्वल होता है, दैट इज हैव सेम वेपर प्रेशर। तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फॉर्म्स का वेपर प्रेशर भी जो है हमारा वो इक्वल आ जाता है, हैव सेम वेपर प्रेशर। और यहाँ पर मैंने आगे लिखा है, जैसे कल बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो यहाँ पर लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में हमारे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ठीक है। और इसको भी हम ग्राफ की सहायता से डिस्कस करेंगे। ग्राफ वही वाला, सेम कल वाला ही है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। कल हम इधर से चले थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, आज हम उल्टा चलेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीज करना है। और कोई भी चीज़ फ्रीज कब करती है? लो टेम्परेचर पे, मतलब हमने उसका टेम्परेचर कम करना है। तो हम कंसीडर करते हैं ए पॉइंट के ऊपर आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट है, हमने इसका टेम्परेचर कम किया तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होना शुरू हो गया, और बी टेम्परेचर के ऊपर इसके सॉलिड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल आ गया, इट मींस बी टेम्परेचर के ऊपर इसने फ्रीज करना शुरू कर दिया हमारे प्योर सॉल्वेंट ने, ठीक है जी। मतलब बी का मतलब ये वो टेम्परेचर है, इसको हम मान लेते हैं T1, ठीक है। सिमिलरली डी पॉइंट के ऊपर आपके पास कौन है? डी पॉइंट के ऊपर आपके पास सॉल्यूशन है, इसका भी हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहे हैं। और ये कोई टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर इस सॉल्यूशन ने फ्रीज करना शुरू करा, जिसे हम लोगों ने T2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो हमारा ज़्यादा है और बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा कम है। दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो कितना है? दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है उसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया बाय द सिंबल डेल्टा TF। टी मतलब डिफरेंस ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, एफ फ्रीजिंग के लिए ही यूज हमने लाया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके बारे में, ये डेल्टा TF है, ये डेल्टा TF किसके इक्वल है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आ गया। T1 किसका है? सॉल्वेंट का है। T2 किसका है? सॉल्यूशन का है। और इस डेल्टा TF को हमने नाम क्या दिया है? डेल्टा TF को हमने नाम दिया है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कल डेल्टा TB का क्या नाम था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी तरह से डेल्टा TF का नाम क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम बाकी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कल डिस्कस किया था, जिस तरह से हमने कल पढ़ा था डेल्टा TB प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, यहाँ भी वैसा ही है। जो आपका ये डेल्टा TF है, मतलब दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना आएगा,
ये भी उसकी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्योर वाटर हमारा फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने वाटर के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं होगा, उससे कम होएगा, -1, -2, -3 कितना भी हो सकता है। और कितना कम होएगा वो डिपेंड करता है मोलैलिटी सॉल्यूशन की कितनी है। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो कितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व करें हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास आया डेल्टा Kf इंटू एम, और यहाँ पर आपका Kf जो सा है Kf, इसको नाम दिया गया है मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। कल था Kb मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, आज है Kf मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इसका नेम है, या दूसरा नेम क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। दो नेम है, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट कल वाले का था, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट आज वाले का। उसका दूसरा नेम एब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट था, इसका नेम क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है। ठीक है जी, कल की तरह ही हम करेंगे कि अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी हम लोग 1 ले लें तो क्या होगा, डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf आ जाएगा। यहां से हम लोग Kf को डिफाइन कर सकते हैं, Kf मतलब मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेल्टा Tf के इक्वल है, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल है। कब इक्वल है, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज 1, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 लिया, 1 मोलैलिटी का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो यही वाला इसके केस में। और जैसे हम लोगों ने कल फॉर्मूला बनाया था इसका मोलल एलिवेशन के लिए, सेम फॉर्मूला हम लोग यहां पर बनाएंगे। मोलैलिटी गिवन मास बाय मोलिकुलर मास 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी की वैल्यू यहां पर रखेंगे। डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf W2 बाय M2 1000 बाय W1। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया किसके लिए, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिए। अब बात यह आई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, वाई इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगेन हमारा वही कल वाला आंसर है, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन मोलैलिटी, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। और जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, नेचर पे ना करे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो इसलिए ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज है और इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क में आ जाता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं कार रेडिएटर्स के अंदर। कार रेडिएटर्स के अंदर कैसे, कार रेडिएटर्स के अंदर डाला जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज मतलब जो नॉर्मली फ्रीज ना करे इजीली। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ मिक्स करी जाती है, क्या मिक्स किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको मिक्स करने से क्या हो जाता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा हिली एरियाज़ के अंदर जहाँ पर स्नोफॉल होती है सर्दियों में। तो स्नोफॉल के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर प्योर वाटर रेडिएटर्स में यूज़ किया गया है तो जब वो पानी फ्रीज होएगा रेडिएटर्स के अंदर, तो रेडिएटर बर्स्ट कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, रेडिएटर फटे ना, उसको अवॉइड करने के लिए उसके अंदर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल का मिक्सर। और ऐसा करने से क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा। मतलब अगर वहाँ पर टेम्परेचर -2, -3, -5, -4 चला गया तो वो फ्रीज नहीं करेगा इजीली, और कार रेडिएटर जो है आपका फटेगा नहीं।
तो क्या इसका यूज सर्दियों में, तो यूज बता दिया मैंने, क्या गर्मियों में भी इसका यूज है? बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भी इस एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का यूज समर में भी है क्या, तो आंसर हमारा आएगा यस। अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मतलब अगर हमारा गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, कोई चीज़ जल्दी बॉयल करेगी, तो ये बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ा देगा, मतलब कार रेडिएटर्स के अंदर जल्दी वेपोराइज होने से उसको रोकेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को ये जनरली इंक्रीज कर देगा। तो ये थी इसके बारे में एप्लीकेशन के बारे में। अब मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता देता हूँ। न्यूमेरिकल में हम लोगों को क्या बोला है कि अगर 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसको हम लोगों ने 50 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया, ऐसा करने से जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम हो गया, 0.4 केल्विन जो है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिप्रेस हो गया। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, केएफ आपको दिया है 5.1। तो वही काम हम लोगों ने करना है जो काम कर लिया था। सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करा गया है, 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 50 ग्राम। डेल्टा टीएफ 0.4 केल्विन, केएफ 5.12। फाइंड आउट क्या करना है, M2 आपको निकालना है। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहा, सेकंड स्टेप आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला डेल्टा टी एफ के एफ W2 बाय M2 इन 2000 बाय W1। फॉर्मूला रखने के बाद फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, या हमारा 0.4 आ गया, 5.12 आ गया, W2 वन ग्राम है, मोलिकुलर मास हमने निकालना है ये 50 ग्राम। लास्ट स्टेप कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन हमने करी 256 ग्राम पर मोल हमारा आंसर आएगा। तो ये तरीका था न्यूमेरिकल करने का बेस्ड ऑन दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वही स्टेप वाइज हमने फोर स्टेप में हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क, या फिर हाफ हाफ वन हाफ और ये हाफ, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास इसके बारे में, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दी। थैंक यू वेरी मच।